आम जनता के अंदर भी ये बहुत शौक से बनाई गई मदन बालीवाल जी ने इसको, और 10 साल लगे इसको बनाने के अंदर। शिलान्यास भी हम लोगों ने उस वक्त आगे किया था, आज हमें सुबह के मिला कि आज हम लोग यहाँ हाजिर हैं और मुरारी बापू भी आए हैं। 9 दिन कथा चलेगी और मुरारी बापू की कथा का जानते हो मैसेज होता पूरे देश के अंदर। हम भी चाहते हैं कि शांति सद्भाव भाईचारा बना रहे देश के अंदर, उसमें ऐसी कथाओं का अपना महत्व होता है। मैं समझता हूँ कि ये कथा का आयोजन करना एक ये भाव पैदा करता है किस प्रकार के हम अपना कर्तव्य पूरा करें जो मदन पालीवाल कर रहे हैं। साधुवादों को सर पर्यटन भी बढ़ेगा सर, इससे इस तरह के पर्यटन भी बढ़ता है क्योंकि दुनिया में सबसे बढ़िया तो पर्यटन भर पड़ेगा। रिलीजियस टूरिज्म को वैसे हम ध्यान दे रहे हैं, राजस्थान के अंदर ग्रामीण टूरिज्म धार्मिक टूरिज्म को विशेष ध्यान दिया जा रहा है, उसके लिए अलग स्कीम बनी हम लोगों की। हम अनुदान भी देते हैं किस प्रकार से इंफ्रास्ट्रक्चर बने, यूनिट्स आए, अलग अलग इकाइयाँ आए, तो सभी तौर से राजस्थान अभी टूरिज्म के सेक्टर में बहुत बड़ी प्रगति कर रहा है। तो उसकी कड़ी में एक ये जो आज का आयोजन है, आप देखेंगे रोज जो एस्टिमेट है 1,500-2,000 लोग आएंगे प्रतिदिन यहाँ पर आएंगे, तो टूरिज्म के हिसाब से बहुत बढ़ोतरी होगी। मैं समझता हूँ उसमें एक और कड़ी जुड़ गई है। सर पीएम नरेंद्र मोदी एक नंबर, एक हम इन्हें हो गया पहले ही बताए थे, इसकी नींव भी आपने रखी थी, अनावरण भी आपने किया था, बता दिया। इस जगह की जो शिव मूर्ति है उसकी जब भूमि पूजन था तब भी आप उस समय शामिल हुए थे और आज जब लोकार्पण है तो आप भी शामिल, यही पूछना। हाँ वही तो मैंने कहा, अभी हमें अच्छा लगा उस पर आए, 10 साल लगा, 10 साल में मूर्ति बहुत शानदार बन के तैयार हो गई और मैं समझता हूँ शिव भक्तार बहुत खुश होंगे पूरे देश के अंदर। आपको मालूम है राहुल गांधी जी भी हमारे शिव भक्त हैं और शिव भक्ति करने वाला कौन हो सकता है आप जान सकते हो, शिव की आराधना करने वाला क्या व्यक्तित्व रखता है वो जानते हो, और शिव भगवान का संदेश क्या वो भी आप जानते हो। इसलिए मुझे खुशी है कि आज मदन पालीवाल ने किस काम को अंजाम दिया है। सर 1 नवंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आ रहे हैं, आपने उनको 2 पत्र भी लिखा और एक पुरानी मांग लगातार करें, मांग राष्ट्रीय स्मारक घोषित करें। उम्मीद करते हैं 1 तारीख को आएंगे तो उनको चाहिए कि वो राजस्थान वासियों की भावनाओं को देखते हुए, बल्कि कहना चाहिए आदिवासियों की भावनाओं को देखते हुए भी, क्योंकि आदिवासी पूरे देश के अंदर हैं, सब राज्यों में हैं, अधिकांश राज्यों में हैं, उन सब की भावना देखते हुए उनको चाहिए कि वो फैसला करें, राष्ट्रीय स्मारक घोषित करें। सर आज से आप गुजरात दौरे पर जा रहे हैं, अब किस तरीके का मूड जब तारीखों का ऐलान होने जा रहा है और किस तरीके का माहौल कांग्रेस के पक्ष में? कांग्रेस पक्ष में अच्छा माहौल है, कुछ परसेप्शन बना रखा है वहाँ पर मीडिया के माध्यम से, आप लोगों की बिरादरी उसके माध्यम से ही कोई दबाव के अंदर और कोई पैकेज दे के, बाकी कोई दम नहीं है। नई पार्टी जो आई है वहाँ पर इन्होंने गांधी को हटा दिया अपने पोस्टर में से, बताइए आप। भगत सिंह को सब सम्मान पूरा मुल्क करता है, अंबेडकर साहब को करता है, पर गांधी का एक अलग संदेश है देश के अंदर, आज़ादी जंग का भी है, किस प्रकार से उन्होंने पूरे मुल्क को एकजुट किया उस जमाने के अंदर, कितने फ्रीडम फाइटर्स घरों से बाहर निकले, सब कुछ किया। गांधी आज दुनिया के अंदर उनका एक औरा है, प्रधानमंत्री जाते हैं दुनिया में तो ये लोग कहते हैं गांधी के देश से आए हैं। उस गांधी को आप अपने राजनीतिक पार्टी से आप हटा दो और फिर आप गुजरात में आके राजनीति कर रहे हो, तो गुजरात कैसे बर्दाश्त करेगा उसको बताइए आप मुझे। गुजरात कभी बर्दाश्त नहीं करेगा ऐसे व्यक्ति को, ऐसी पार्टी को जिन्होंने गांधी को अपने पोस्टर से हटा दिया है। आज़ादी के बाद में यही पार्टी ऐसी निकली है जिसने काम किया है। बीजेपी ने भी पहले गांधी को नहीं अपनाया था, आखिर में उनको अपनाना पड़ा, तो केजरीवाल जी को भी आज नहीं तो कल समझ में आएगी। और जिस प्रकार से वो वहाँ पर कैंपेन कर रहे हैं उसमें कोई दम नहीं है, मीडिया में ऐसा कर दिया जो जाते हैं एंकर पूछने के लिए सवाल, वो भी हमारी पार्टी के ताल्लुक रखते हैं और जिनको पूछा जाता है वो भी हम हमारे पार्टी के लोग हैं, आप समझ सकते हो, समझ गए आप। पूछने वाला और जवाब देने वाले दोनों आम आदमी पार्टी के लोग, आप पार्टी लोग ही हैं, तो आप समझ सकते हो कैसे कैंपेन कर रहे हो।
तो ऐसे में आप सर मुकाबला तो सीधे बीजेपी से ही मानते हैं? बिल्कुल मानते हैं, चुनाव जीतेंगे, सरकार बनाएंगी कांग्रेस वहाँ पर। तो सर मोदी जी जो मानगढ़ आ रहे हैं, आपको लगता है मोदी जी हर वीक क्यों आ रहे हैं? हर वीक मोदी जी पहुँच रहे हैं वहाँ पर, शिलान्यास उद्घाटन कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं? क्योंकि वहाँ हालात बहुत खराब है बीजेपी सरकार की, पूरी गवर्नमेंट बदल दी, मुख्यमंत्री सहित पूरे मंत्रिमंडल बदल दिए। इसके मतलब कि तभी मंत्री जो थे वो सब नाकारा निकम्मे थे, अगर थे तो पहले बदल देते, बाद में क्यों बदले, चार साल बाद में। तो तमाम क्वेश्चन उठ रहे हैं वहाँ पर। राजस्थान में जो हमने फैसले किए हैं, तमाम फैसले करीब करीब हमने वहाँ पर वचन दिए हैं गुजरात को, राहुल गांधी जी खुद ने वचन दिए हैं वहाँ, 11 वचन दिए हैं, वो हम निभाएंगे वहाँ पर। उसके बाद कोई बचता ही नहीं हुई बात पर।